ये होता है फिल्टर पेपर, चीज है हमारे पास। अरे अरे यार, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपना 2 फीट के टैंक में अपना फिल्ट्रेशन सिस्टम पूरा सेटअप करने वाला हूँ। देख सकते हैं, ये मैंने खरीद के लाया था और आज मैं इसका सारा आपको अपडेट देने वाला हूँ, प्राइसिंग से लेके और इसको सेटअप करने का तरीका बताने वाला हूँ, कैसे आप DIY तरीके से बहुत ही चीप तरीके से इसको बहुत अच्छा फिल्टर बना सकते हैं। और देख सकते हैं, ये हमारा टैंक है जो चमचमाता हुआ दिख रहा है आपको। वाओ, पिंक कलर की लाइट मैंने इसमें अभी रखी है और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है ये टैंक। और मैं बस, मुझे इस बात का डर लग रहा है कि मैं इतना अच्छा इस टैंक को सेटअप किया था और हम इसमें अभी एक बहुत बड़ा सा फिल्टर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लिखने वाला, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ करके उसे अच्छे से सेटअप करेंगे। देख सकते हैं, अभी मैंने फ़िलहाल के लिए एक बुलबुल बस इसमें लगा दिया है। वाओ, कितना क्लीन दिख रहा है भाई ये टैंक। ये तो हमारे मॉन्स्टर टैंक से भी ज़्यादा क्लीन दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी हमें फ़िल्टर भी लगाना है। और फिल्टर की, चलिए आपको मैं डब्बा दिखा देता हूँ। ये देखो, इस डब्बे में आपको क्या क्या मिलेगा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये डब्बा है और इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये। ये मुझे 600 रुपये का पड़ा, देख सकते हैं। ये कौन से कंपनी का? वीनस एक्वा कंपनी का है और 600 का पड़ा मुझे। मैं RS इलेक्ट्रिकल का भी सोच रहा था लेने का, लेकिन मैं उसे लिया नहीं क्योंकि यहाँ अवेलेबल ही नहीं था, तो मुझे चाहिए था। और तो ये देखो, इसके अंदर सिर्फ यही मिलता है और कुछ नहीं। इसको फेंकते हैं, फेंक दिया हमने उसे। तो चलो आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे सेटअप करना है इसे। तो ये देखो, अरे बाप रे बाप, चारों तरफ तो पूरे दुनिया बह गई। ये देखो, ये है इसका मोटर और ये है इसका पानी वाला इनलेट जो इसके अंदर आने वाला है। ये इसका इनलेट है, इसको ऐसे घुमाएंगे और सारा पानी यहाँ पे जाएगा अंदर और साफ पानी इस वाले छेद से बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें मीडिया चाहिए बहुत सारा और उसके लिए हमारे पास देख सकते हैं क्या क्या चीज़ नहीं है। मतलब देख सकते हैं आप भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं बम बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ और ये क्या चीज़ है सब मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे भी। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट वाला चीज़ तो ये है। ओ भाई, इसमें भी है, ये देखिए कितना सारा चीज़ है हमारे पास। अरे अरे यार, गिर गया भाई, गिर गया। ये देखो, हमारे से थोड़ा सा एक गिर चुका है और ये एक्टिवेटेड चारकोल है, देख सकते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है पोस्ट सिल्वर एक्टिवेटेड कार्टेज। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये मुझे कहाँ से मिला और कैसे मिला और आप कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं, ये हमारे फिल्टर का था और फिल्टर काफ़ी दिन से बंद पड़ा था तो ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ था, ये पूरा का पूरा नया था। तो हमने अभी अभी नया फिल्टर ले लिया, तो ये पूरा का पूरा सामान नया ही है। तो इस वजह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सोच सकते हैं जो पीने के पानी के लिए फ़िल्टर होता है वो हम एक्वेरियम में लगाएंगे तो कितना ज़्यादा पानी क्लीन हो जाएगा और मछलियों के लिए कितना ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और ये देखिए, ये होता है फिल्टर पेपर भाई, आपको देख के मज़ा आ जाने वाला है। ये देखो, ये है फिल्टर पेपर, बहुत ज़्यादा इसमें कम पोर है, सिर्फ पानी जा सकता है, कोई डर्ट वगैरह नहीं जा सकता। देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया है भाई ये। ये देखो, पर्दे में रहने दो। तो ये बहुत ज़्यादा हमारा काम आने वाला है क्योंकि फ़िल्टर को भी जमाना है और चारकोल भी डालेंगे। और चारकोल को देख सकते हैं, ये जो प्लास्टिक में आता है उसे हमने काटा है पूरा बहुत अच्छी तरीके से और जाके मिला है ये हमें चारकोल। थोड़ा सा गिर गया, आपको दिखाता हूँ। ये हम चूरा है, मुझे तो सैंड जैसा लग रहा था हमारे एक्वेरियम का, ये देखिए। लेकिन ये अच्छा है चारकोल, कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, देख सकते हैं थोड़ा वहाँ भी हो चुका है। तो चलो, हमको धीरे धीरे सेटअप करना है और ये तो बहुत छोटा सा है तो इसमें ज़्यादा चीज़ तो आ नहीं पाएगी, तो उस वजह का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत लिमिटेड चीज़ डालनी है और क्वालिटी वाली चीज़ डालनी है। तो देख सकते हैं, ये सब कार्टर था, कुछ कुछ काम आया हमें, हमें फिल्टर मिल गया एक और एक एक्टिवेटेड चारकोल मिल गया। तो आप अपनी घर की चीज़ों से सोच सकते, देख सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं, बस आपको करने आना चाहिए। तो चलो सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ईटा डालेंगे और ईटा को मैं तुरंत लेके आता हूँ क्योंकि मैंने उसे कल धो के रख लिया था पहले ही, तो मैं जल्दी से ईटा लेके। तो ये देखो, ये है वो ढेर सारे ब्रिक्स और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े मैंने नहीं किए हैं, पता नहीं क्यों नहीं किए, लेकिन और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं डालने वाला हूँ। और सबसे मेन काम होता है ये अपना ब्रिक्स डालने का, कि
बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन बहुत अच्छी हो, क्योंकि इस पोरस, ये बहुत ज़्यादा पोरस होते देख सकते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया को कॉलोनी बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, और जितना ज़्यादा पोरस हो उतना ज़्यादा अच्छे बेनिफिशियल बैक्टीरिया मिलेंगे आपको। तो इस वजह से हमने ये ईटा लाता हूँ, मैं ईटा ही डालता हूँ हमेशा। मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे मॉन्स्टर टैंक में भी ये वाला फिल्ट्रेशन सिस्टम एक बार इंस्टॉल करके देखें कि और पानी कितना ज़्यादा साफ हो सकता है। सबसे पहले हम इसमें ट्राई करेंगे अपने छोटे वाले में कि ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, एक्टिवेट चारकोल और वो फिल्टर पेपर, वो मुझे करके देखना ही एक बार। और हम इसमें ज़्यादा तो नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर इसमें ब्लॉकेज हो गया पानी का तो ओवरफ्लो होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला। तो अरे यार, हमें तो सबसे पहले ये डालना था। अरे यार, क्या क्या हो जाता है यार मेरे साथ। तो कोई नहीं, हम नीचे से डाल देते हैं। तो सबसे पहला लेयर तो हमारा ये हो गया, और इसके बाद कौन सा लेयर दिखाएंगे मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से लाना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ इतना सारा सामान हो चुका है, और सारा का सारा फिल्टर का सामान है। मेरे पास जगह छोटी हो गई लेकिन फ़िल्टर का सामान इतना सारा देख सकते हैं मैंने। ये हमारे गाड़ी का एयर फिल्टर है, उसका भी हम ये स्पॉन्ज निकाल लिए हैं, और देख सकते हैं उसको काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, बाप रे। और इसको मैंने अभी भी साफ़ किया बहुत अच्छी तरीके से, और तो अभी इसको लगा भी देंगे, और तो फिल्टर भी अच्छी तरीके से होगा, और हमारे पास स्पॉन्ज भी है देख सकते हैं, ये भी अगर काम आएगा तो इसको भी लगाएंगे। और ये बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है, ये भी देख सकते हैं, ये एक थर्माकोल का है शायद, और इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत सही होने वाली है। और मैं इतना सारा भर तो दिया हूँ लेकिन चलेगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं, तो देखते हैं, कुछ कुछ तो करना पड़ेगा। ये बैक्टीरिया के लगा दिए, और इतना बड़ा तो शायद ये जा नहीं पाएगा, कोशिश करेंगे कि नीचे का पत्थर हटा दे थोड़ा सा, और उसके ऊपर ये फिल्टर भी लगाना है, और उसके ऊपर हमें वो वाला जो हमारा वो है उसको भी लगाना है। अरे बाप रे, बहुत सारा है यार, मुझे लगता है मुझे पत्थर थोड़े कम करने पड़ेंगे, तो फिर कर ही देते हैं क्योंकि हमें सारा चीज़ डालना है, थोड़ा से कम कर देते हैं। तो इस बड़े वाले को हटा देते हैं, छोटे छोटे रखते हैं, हाँ इतने पत्थर रखते हैं। और ये देखिए, ये एक बैग है, पता नहीं क्या चीज़ का बैग है, और इसमें हम चारकोल डालने वाले हैं एक्टिवेटेड चारकोल को, क्योंकि अगर सिंपल डालेंगे तो वो नीचे से गिर जाएगा, तो इसलिए हम एक्टिवेटेड चारकोल को इस थैली में डालने वाले हैं। तो एक्टिवेटेड भाई आजा, देख सकते हैं थोड़ा सा गिर गया है लेकिन कोई नहीं। ये देखो, ये हम डायरेक्ट है, हम पहले एक बार इसे वॉश करेंगे उसके बाद ही डालेंगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। एक बार हल्का सा वॉश कर ही देना चाहिए, और एक्टिवेटेड चारकोल हमें इसलिए डालना चाहिए क्योंकि जो भी गैस होते हैं हमारे एक्वेरियम के अंदर, अमोनिया या फिर जो भी गंदगी होती है या फिर जो स्मेल आती है, वो सब कोई एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत अच्छी तरीके से, और फिर लॉक कर लेता है। उसके बाद इसको 2-3 महीने बाद फेंकना पड़ता है, क्योंकि ये हर 2-3 महीने में ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसका कैपेसिटी उतना है कि ये ख़राब हो जाएगा 2-3 महीने में अपना सारा एब्जॉर्ब करके हमारे टैंक की गंदगी, देख सकते हो वाव सुंदर। तो चलो इसको भी थोड़ा वॉश कर लेते हैं, और बाकी सबको भी वॉश कर लेते हैं एक बार, और फिर एक बार में सबको सेटअप कर देंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कि हमारा टैंक कैसा दिखेगा सुंदर। दोस्तों मैंने एक जगह पे सबको ले आया है, देख सकते हैं वॉश कर लिया है, सबको मैंने वॉश कर लिया है, और चारकोल भी वॉश हो गया है बहुत बढ़िया तरीके से। अब तो सबसे पहले चारकोल को हम इस बैग में डालते हैं, और चारकोल से बिल्कुल भी गंदगी बिल्कुल भी नहीं निकली, क्योंकि पानी वाला चारकोल है तो देख सकते हैं पूरा सैंड जैसा ही है A to Z। तो इसको तो हम डालेंगे, तो ये देखिए, ये है सबसे पहला लेयर अपना रॉक्स का, उसके बाद जाएगा अपना चारकोल। तो जल्दी से इसे पैक करके डालता हूँ तुरंत आपको। ये देखो दोस्तों, मैंने इसमें सारा डाल दिया है, और अब इसकी बारी है हमारी। ये आपको फ्रूट वाले कोई भी पैकेट में मिल जाएगा, तो इसको भी डालेंगे क्योंकि बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बाप रे, ये तो अभी से बहुत भर गया भाई, काट के डालना पड़ेगा इसको। और लास्ट में हम या फिर ये लगाएंगे या फिर ये लगाएंगे, दोनों में से कुछ तो लगाएंगे, और फिर हमारा फ़िल्टर पूरा तैयार हो जाएगा। तो आपको मैं इसको कैसे चालू करना है वो करके दिखाऊंगा, और सब सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। देखिए ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा, पानी गिरेगा, और मैं इसको यहीं चालू करके देखना चाहता हूँ क्योंकि ओवरफ्लो पानी का तो नहीं हो रहा है, ये देखना ज़रूरी है। तो चलो सेटअप करते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि ये वर्क कैसा कर रहा है और ये सब कैसा लगता है सब एक साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सब चीज़ रेडी हो चुका है, स्पॉन्ज भी लगा दिया मैंने, और ऊपर से फ़िल्टर पेपर भी निकाल लिया है हमने, देख सकते हैं इसका काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया है इसका बहुत ज़्यादा। तो बहुत टाइम लगा इसे काटने में, चाकू सब सब से काट दिया हमने। तो चलो अब इसको आखिरी लगाते हैं और फाइनल टच देते हैं,
बाप रे, बहुत ज़्यादा सही है भाई ये फ़िल्टर, मज़ा आ गया देख के। और ये आगे भी मुझे काम आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको अपने मॉन्स्टर टैंक में ज़रूर लगा के देखूँ। देखेंगे इसको लगा के, तो चलो इसको फिट करते हैं और इसमें पानी भरते हैं थोड़ा सा और फिर चालू करके देखते हैं ये साइकिल को। तो दोस्तों देख सकते हैं सारा चीज़ सेटअप हो चुका है, पानी इसके अंदर जा चुका है, फिल्टर और यहाँ पे रखा हुआ है, और देखते हैं अब कि कैसा काम करता है ये। और हमसे थोड़ी सी गलती हो गई एक, कि ये हम इसे लगाना भूल गए, और ये हमको सबसे पहले लगाना होता है लेकिन हमने सबसे लेट में लगाया अभी से। तो देखते हैं पानी यहाँ से निकलता है कि नहीं, तो चलो देखते हैं शुरू करके सिर्फ एक बटन दबाने से। ये देखिए बुलबुले चालू, पानी भी आना चालू हो चुका है, और मेन हमें देखना है ये। ओ भाई ये देखो, सही, बहुत ज़्यादा सही सब निकल रहा है, हमें इसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और देख सकते हैं ये निकल रहा है धीरे धीरे पानी हमारा। वाओ, थोड़ा सा उठा देके दिखाता हूँ आपको। बहुत अच्छी तरीके से हमने सेटअप किया है और सही चल रहा है। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है हमारा पानी, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। देख सकते हैं बहुत सारा पानी गिर रहा है भाई। ओ भाई ये देखो, ओवरफ्लो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और तो ये सब तो सही चल रहा है। देख सकते हैं इधर का पानी भी कम हो रहा है जैसे पानी बह रहा है। तो चलो इसको अब अपने एक्वेरियम में सेट करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे चल रहा है सब। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा टैंक अपना सेटअप कर चुका है। देख सकते हैं मुझे हल्का सा ऑड लग रहा है ये, क्योंकि मैंने इतना ब्यूटीफुल टैंक सेटअप किया है लेकिन उसमें एक इतना बड़ा सा फिल्टर आ चुका है, तो थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा गंदा लग रहा है। लेकिन अब स्टार्ट करके देखते हैं कि चल कैसा रहा है, और जो भी होगा आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और देख सकते हैं ऊपर से कुछ मैंने ऐसे सेटअप किया है, साइड से कुछ ऐसा दिखता है, और तो कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि इसे और कहीं रखना चाहिए, तो बहुत सही जगह पे रखा हुआ है। तो चलो अब सीधा डायरेक्ट ऑन करते हैं। ओ भाई चालू हो गया टैंक, वाह वाह, ये देखो भाई स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से पानी पूरा आ रहा है, और बुलबुले देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से आ रहे हैं। लेकिन उसमें से बुलबुले क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। पूरा हमारा टैंक बढ़िया चल रहा है लेकिन बस बुलबुले नहीं आ रहे। अच्छा मैं समझ गया, ये देखिए ये ढक्कन दिया रहता है, इसको खोलना पड़ता है और इससे आप बुलबुले को बढ़ा सकते हैं। अरे ये तो खुला ही हुआ है भाई। मैं तो खोलने वाला था लेकिन रुक जाइए, ये देखो खोल दिया मैंने ढक्कन। भाई अभी भी नहीं चालू हुआ है, क्या हो रहा है भाई, वो चलता है कि नहीं मुझे पता, आइडिया भी नहीं है। लेकिन पानी तो बहुत बढ़िया बह रहा है, वैसे वो चले ना चले हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना मतलब है कि ये चलना चाहिए। और ये बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, और हमारा ड्रिफ्ट फुट को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं उसको थोड़े अच्छे से सेट करूँगा और आगे वाले दिनों में, क्योंकि हमारे पास देख सकते हैं कुछ कुछ है सेट करने का। तो इसका जो पाइप दिख रहा है इतना बड़ा सा, वो हम अच्छे से पीछे से पुश करके लगा देंगे तो वो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये देखो कुछ टैंक इस तरीके से दिखता है। और कैसा लगा आपको मेरा टैंक सेटअप का वीडियो और बायोमीडिया, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।